यदि आप रेलवे से सफर कर रहे हैं और किसी भी श्रेणी में आप यात्रा कर रहे हैं और आपको सफर के दौरान यात्रा के दौरान कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है, जैसे कि आपका सामान चोरी हो जाना या किसी के द्वारा आपसे अभद्र व्यवहार करना, ट्रेन में चोरी हो जाना, यह कोई भी स्थिति में आप रेलवे को कंप्लेन कर सकते हैं और कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें आपको तुरंत सहायता की आवश्यकता होती है। जैसे कि आपने कोई रिजर्वेशन कराया और आपकी सीट पर कोई अवैध व्यक्ति या कोई दबंग व्यक्ति आके बैठ गया, अब आप क्या करेंगे इस स्थिति में? तो मैं आपको तीन ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप बहुत ही आसानी से आप तुरंत चलती हुई ट्रेन में सहायता प्राप्त कर सकते हैं और आपको जो परेशानी होती है या हुई है उनसे आप बच सकते हैं। मैं हूं दीपेन, आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सीपी ज्ञान में। यदि आप अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लें, इस पर मैं ऐसे ही लेटेस्ट और यूनिक कंटेंट लाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला तरीका, आपके पास स्मार्टफोन है ही, लगभग आजकल सबके पास स्मार्टफोन है ही, तो यदि आपके साथ कोई परेशानी होती है, सबसे पहला तरीका मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने स्मार्टफोन में ट्विटर को डाउनलोड करें और आप इस स्थिति में आपके साथ क्या अनहोनी हुई है या कोई जो भी आपको परेशानी है आप अपने ट्विटर हैंडल पे लिख के आप पोस्ट कर सकते हैं। DRM या संबंधित अधिकारियों को आप पोस्ट कर सकते हैं, रेलवे से, रेल मंत्रालय से लेके किसी को भी। यह आजकल सबसे ज़्यादा और सबसे जल्दी कार्य करने वाला तरीका बना हुआ है। ट्विटर पर तुरंत ही आपकी कार्रवाई होती है और आपके लिए तुरंत सहायता पहुंचा दी जाती है। दूसरा तरीका यह है कि आप जिस ट्रेन में हैं उस ट्रेन के कंडक्टर को यानी कि TC को ढूंढें कहां पर है वो, और उसको अपनी लिखित में शिकायत दें। वह TC आकर आपकी शिकायत को सुनेगा और जो ट्रेन में RPF वगैरह होंगी उनसे आपकी समस्या का समाधान कराएगा। अगर ट्रेन में समस्या समाधान नहीं हो सकती है या आपकी समस्या ऐसी है जो ट्रेन पे नहीं हो सकती है समाधान, तो अगले स्टेशन को सूचना देकर आपकी समस्या का निदान किया जाएगा। इसके लिए TC के पास एक कंप्लेन बुक होती है, आप उस TC से कंप्लेन बुक मांगें, उसमें अपनी कंप्लेन बाकायदा दर्ज करें, अपना नाम मोबाइल नंबर सहित। आप दर्ज करने के बाद आप वह कंप्लेन बुक TC को वापस कर दें। इसके बाद आपकी कंप्लेन रजिस्टर्ड हो जाएगी और आपके साथ जिस तरीके की आपको सहायता की जरूरत है वह सहायता आपके पास पहुंचा दी जाएगी। तीसरे नंबर का तरीका बहुत ही यूनिक है, बहुत ही कारगर है, आपका मोबाइल ऐप। जी हाँ, रेल मदद मोबाइल ऐप की मदद से आप अपनी किसी भी प्रकार की कंप्लेन इसमें लिख सकते हैं, जिसमें लगभग तुरंत ही कार्रवाई की जाती है। इस मोबाइल ऐप को हम कैसे डाउनलोड करें जानते हैं। तो रेल मदद इंस्टॉल करने के लिए आपको अपने प्ले स्टोर में जाना होगा। आप देख पा रहे हैं जैसा कि ये मैंने प्ले स्टोर खोला है और आप इसमें लिखेंगे रेल मदद, RALMADAD, रेल मदद, इस पे आप लिखेंगे और जैसे ही आपके पास ये रेल मदद नाम का एक ऐप है ये आ जाएगा। बहुत ही छोटा सा है, केवल 14 MB का, इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप ओपन पर क्लिक करेंगे तो यह ऐप ओपन हो रहा है। इस ऐप में आप अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद अपना कंप्लेन का क्या उसका फीडबैक हुआ है वह भी आप जान सकते हैं। ये सारे तरीके इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बहुत ही आसान सा इसमें इंटरफेस है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको सबसे पहले इसमें अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डाल के इसमें रजिस्टर करना होगा और रजिस्टर करने के लिए साइन अप पर जाएंगे और अपना नाम लिखेंगे। नाम लिखने के बाद पासवर्ड बनाएंगे, 8 अंकों का कम से कम होना चाहिए, 6 से लेंथ मिनिमम 6 से ज़्यादा होना चाहिए, और इसके बाद उसी पासवर्ड को कन्फर्म पासवर्ड लिखेंगे। आप दो तरीके से इसमें लॉगिन हो सकते हैं, नंबर 1 मोबाइल नंबर, दूसरा अपना ईमेल एड्रेस। तो दोनों तरीके में से आप कोई सा भी आप यूज करें। तो इसको मैं करता हूं, अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के आप इसमें लॉगिन करेंगे तो आप इसमें देखेंगे ये कंप्लेन वाला ऑप्शन आ रहा है,
इस पर ड्रॉप डाउन मेनू है, आपकी कंपनी किस तरीके की है वह आप इस पर सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आप जिस तरीके की आप चाहते हैं, सिक्योरिटी, दिव्यांग या इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, कोच क्लीनिंगनेस या वाटर अवेलेबिलिटी, कोच मेंटेनेंस, इन बेडरोल, मिसलेनियस, या आपको इनमें से जो नहीं है तो आप उसको मिसलेनियस में डाल सकते हैं। तो बहुत सारी इसमें जो है कंप्लेन का नेचर है वह आप कोई भी आप अपने अनुसार सेलेक्ट करेंगे और उसी के सब कंप्लेन आप इसमें सेलेक्ट करेंगे। देखिए जैसे कि इसमें बहुत सारी ये दी गई हैं, अगर इनमें से नहीं है तो आप इसमें अदर चूज करेंगे। इसके बाद आपका समय और आपका डेट खुद ब खुद इसमें आएगा और कंप्लेन डिस्क्रिप्शन, आपको जो विवरण है, डिस्क्रिप्शन है, वह बहुत ही सोच समझकर और पूरा और सटीक कम शब्दों में लिखना है, जिससे कि आपका पढ़ते ही आपका डिस्क्रिप्शन अधिकारियों को समझ में आ जाए। तो जैसा भी आपका है इसमें तो आप लिखेंगे, मैं डेमो के लिए बता रहा हूँ। आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप यदि अनरिजर्व डिब्बे में हैं, यानी कि आपने यूटीएस टिकट लिया है, तो आप इसको यूटीएस पे सिलेक्ट करेंगे, और यदि आप रिजर्व डिब्बे में हैं, यानी कि किसी भी स्लीपर, एसी 1, 2, 3 या जहाँ भी बैठे हैं उसमें आप अपना पीएनआर दर्ज करेंगे। पीएनआर दर्ज करने के लिए आप ओके करेंगे, इसके बाद अपना पीएनआर दर्ज करेंगे, और यदि आप उस समय कोई फाइल यदि भेजना चाहते हैं या कैमरे से कोई फोटो दिखाना चाहते हैं, तो आप इसमें कोई भी फोटो जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी, इसमें मैक्सिमम 5 MB से अधिक फोटो नहीं होना चाहिए, ऐसी फोटो आप इसमें अपलोड कर सकते हैं वहाँ त्वरित क्या हो रहा है वह जानकारी देने के लिए। तो और इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगी और आप के पास एक मैसेज द्वारा सूचना भी आ जाएगी। इसके बाद ट्रैक कंप्लेंट के लिए, यहाँ पर आप अपनी ट्रैक कंप्लेंट पर जाएंगे। अभी तो मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा, आपके पास जो ट्रैकिंग का नंबर है वह इसमें डालेंगे और आप अपनी कंप्लेंट को ट्रैक कर सकते हैं, और आपसे जब आपकी कंप्लेंट सॉल्व हो जाएगी तो आपसे इस पे फीडबैक भी मांगा जाएगा। तो यह एक अच्छा तरीका है आपकी कंप्लेंट, अपनी कंप्लेंट को, अपनी बात को अधिकारियों तक, रेलवे के अधिकारियों तक जल्दी पहुंचाने का और समाधान करने का बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही जेन्युइन तरीका है, ऑफिशियल तरीका है। इस तरीकों को अपना कर आप कुछ ही मिनटों में, कुछ ही चंद समय में आप अपनी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। वैसे भी रेल सेवा आपके सेवा में सदैव तत्पर है। आप अपनी किसी भी परिस्थिति में इन तीनों तरीकों में से कोई एक तरीका चुनकर आप अपनी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, जानकारी यूनिक लगी होगी। ऐसे ही लेटेस्ट और यूनिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।